लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा जो कि मैंने एक फाइबर बोर्ड पे बनाया है। मैंने फाइबर बोर्ड पे इसलिए बनाया है कि एक्रेलिक कलर से इस बोर्ड पे क्या इफेक्ट आता है जो कि आप देख सकते हैं। और इस चीज़ के लिए जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वो एक सिंथेटिक ब्रश है। आप बहुत सारे लोग सिंथेटिक ब्रश देख रहे होंगे जो कि मैंने ख़राब ब्रश को यूज किया है। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रश को ख़राब हो जाने के बाद उसको फेंक देते हैं, बट उसकी एक्चुअल में क्वालिटी क्या है, मीन्स वो क्या रिएक्ट करता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए इससे मिक्सिंग कितनी आसानी से हो रही है। शायद कुछ लोग को बात ना मालूम हो कि जो भी ब्रश ख़राब हो जाते हैं प्लीज़ आप उनको ना फेंकिए, एंड उसको आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं किसी अदर चीज़ में। जैसे कि मुझे मिक्सिंग करनी पड़ रही है अलग अलग कलर्स में, तो आप देख सकते हो इसका इफेक्ट। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हुआ कि अब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। कुछ लोग अब्स्ट्रैक्ट को अलग अलग फॉर्म में ब्रेक करना बोलते हैं, कुछ लोग मतलब मीन सबके मन में अलग अलग सवाल होते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। मेरा ये मानना है कि अब्स्ट्रैक्ट जो आपके एक मन आपके मन से निकल रही हो चीज़, यानी कि किसका जिसका कोई आकार ना हो, एंड आप अलग अलग कलर से एक प्ले करना एक अब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। मे भी कुछ लोग के मन में दूसरी चीज़ हो, बट मैं अपने विचार से एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने का कोई भी एक रूल नहीं होता है। सिंपल सी बात है, आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो आप उससे सीखते हो, बट जब धीरे धीरे उस चीज़ें प्रैक्टिस करने लगते हो तो आप उससे प्रोफेशनल हो जाते हो। मे भी आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अभी देखिए मैंने जो बेस दिया है लाइट कलर्स में दिया है, एंड अब थोड़ा सा पर्सन ब्लू एंड क्रिम्सन से मैंने इस चीज़ को मर्ज किया है। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि मैंने पहले से ही सोच के रखी है, धीरे धीरे वो चीज़ अप्लाई करता जा रहा हूँ। अभी कुछ चीज़ें मेरे को अच्छी लगेंगी, बट फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, मीन्स उसमें और दूसरे कलर्स को अप्लाई कर दूंगा, तो आप देख सकते हो इसका इफेक्ट। थोड़े से भी मैंने ब्राइट कलर्स को यूज किया है। अब जहां जहां आपको थोड़ा सा डेप्थ को और निकालना है, मैंने उस जगह पे इस कलर को अप्लाई किया है। और एक चीज और, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, हम लोग वाटर कलर यूज करते हैं, एक्रेलिक यूज करते हैं, पोस्टर कलर यूज करते हैं। कुछ लोगों ने देखा होगा कि एक ही कलर के अलग अलग शेड अलग अलग नाम होते हैं, कहीं पे क्रोम येलो होता है, कहीं पे कैडमियम येलो होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, मींस कोई भी काम करने से पहले आपको हर मीडियम्स में जाके उसको देखना पड़ेगा हर कलर से क्या क्या नाम होते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत नाम में चेंज होता है, तो उसकी भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपको। अब देखिए मैंने किसी भी फॉर्म में मेरा जो मन में आ रहा है मैं उसको मर्ज करते जा रहा हूँ। अब किसी भी एक चीज़ से मोह नहीं रखना है, आपने कोई अच्छी चीज़ बनाई एंड उसको दोबारा रेज करो। मैं तो ये कहता हूँ जब तक आप किसी चीज़ को खेलते खेलते नहीं बनाओगे तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी।
हाँ बस ये है कि जितने ज़्यादा आप उस चीज़ में काम करते हो, टाइम के साथ धीरे धीरे आप उस चीज़ में मास्टर हो जाते हो, एंड उस चीज़ को कैसे क्या अप्लाई करना है, कौन से कलर कहाँ पे अच्छे लगेंगे, वो चीज़ धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। कोई भी कितना भी पढ़ा ले, जब तक आप खुद रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली। तो यार देखो इसका इफेक्ट देख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को, बट मैं इसको पूरा हटा दूंगा अभी इस चीज़ को, और ट्राई करूँगे और कलर्स कैसे यूज करें, कहाँ पर यूज करें। वीडियो देखने के बाद आप भी ट्राई कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सिंथेटिक बोर्ड पे करो, आप कोई भी नॉर्मल ऑयल सीट के ऊपर भी एक्रेलिक कलर यूज करके देख सकते हो। कहीं कहीं मैंने थिक कलर्स यूज किए हैं इसमें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आप थोड़ा सा खुल सको इन मतलब मीन्स कि बहुत सारे लोग कलर्स लगाने में डरते हैं कि ये कलर्स लगाऊंगा तो पेंटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ख़राब हो जाएगी तो वो आपके लिए होगी या ख़राब नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है, हर कलर का अपना एक लुक होता है। जब तक आपके मन में एक डर बैठा रहेगा ख़राब होने का तब तक आप नहीं सीख सकते। तो आप कुछ भी अप्लाई करो, ऐसा नहीं कि मुझे आप कोई काम कर रहे हो तो किसी को दिखाना, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अलग अलग तरीके से कलर को अप्लाई करके देखो कि क्या रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो उससे आपका डर दूर होगा। तो मैं देखिए मैंने कलर लगा के ब्रश की हेल्प से मैंने उसको बस स्ट्रोक्स में मर्ज किया। अब देखिए मैं हर चीज़ को ट्राई करके देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा करना, अच्छा नहीं, बस मैं देख रहा हूँ कि क्या रिएक्ट कर रहा है, फिर हटा, जो मूड में आया तो मैं दोबारा हटा दूंगा वो चीज। वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो आप ट्राई करके देखिएगा कि क्या इफेक्ट होता है इसका। वैसे आपको एक बात बता दूं कि बोर्ड पे करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें मिक्सिंग वाला कोई भी पार्ट नहीं है। सीट पे तो हम इजीली मिक्सिंग कर सकते हैं, बट बोर्ड में मिक्सिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट कोई नहीं, आप ट्राई करके देखना। एक मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है, सैंकी आर्ट करके, SHNKYART। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, उसमें भी मैं अपने वर्क अपलोड करता रहता हूँ। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके का इफेक्ट दे रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यही चीज़ अच्छी है, मैं हटा भी दूंगा बाद में। आप लोग देख सकते हो कि देखिए स्टार्टिंग में क्या पेंटिंग थी, धीरे उसको मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा जो डार्क वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा निकाल रहा हूँ, यानी उसके आसपास के एरिया को थोड़ा सा मर्ज करके। देखिए सिंपल ही बात है, जिस चीज़ को हम खेलते हैं मीन्स इन्जॉय करते हैं, इन्जॉय करना इन द सेंस कि उस चीज़ को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लेना, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, यानी कि जिस चीज़ को हम इन्जॉय होकर बनाते हैं वो हमें लाइफ टाइम याद रहती है, यानी उससे हम सीखते हैं, सिंपल सी बात है। तो वही है कि वहाँ से आपका डर निकलता है। अब देखिए स्टार्टिंग में पेंटिंग क्या थी, एंड अभी मैंने उसको कैसे मर्ज कर रहा हूँ, किस तरीके से जो डार्क वाला पार्ट है मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने उसको डार्क वालों मेरे माइंड में आया या मैंने पहले सोच रखा था, मुझे लग रहा है कि हाँ कोई नहीं, चेंज पेंटिंग को ब्रेक करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है।
कुछ लोग को ये लैंडस्केप टाइप में लग रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, बट मैंने वो चीज़ सोच के नहीं बनाई, बट फिर भी मैं उसको मर्ज कर रहा हूँ, देखते हैं बाद में क्या इसका इफेक्ट आता है। वही इसमें कि अब्स्ट्रैक्ट में वो इसको किसी फॉर्म में चेंज नहीं करना है, जो भी आपके मन में आ रहा है आपको, हाँ बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, कौन सा कलर यूज करेंगे, ये थोड़ा सा सोचने समझने की बात है। और ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो इस चीज़ को तो कोई आपको डांटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्ले करके देखो कि क्या इफेक्ट आता है कलर्स का अलग अलग टाइप से यूज करने से। बस हाँ, एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा, स्टार्टिंग में थोड़े से ब्राइट कलर यूज करो, जिससे कि जब हम बाद में डार्क कलर अप्लाई करें तो उसकी ब्राइटनेस और निकल गया है। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड जो थोड़ा बहुत ना भी समझ में आया हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। देखिए एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्या होता है कि जब हम काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो एक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है कि आगे बढ़ने के लिए, सिंपल सी बात है ना। यानी कि आप रेगुलर काम करोगे, रोज़ आपको लोग देख रहे हैं, एक मोटिवेशन आपको मिल रही आगे और अच्छा काम करने की। तो वीडियो बनाने का मेरा एक पर्पस ये भी है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, कुछ लोग अगर जो थोड़े बहुत तारीफ भी करते हैं, तो क्या होता है मेरे अंदर एक और मोटिवेशन मिलती है कि मैं और आगे और अच्छा काम करूँ, सिंपल सी बात है। क्योंकि मोटिवेशन ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाती है, एंड स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ सिखाती है, सिंपल सी बात है। तो आप देख सकते हो मैंने, हाँ एक चीज़ देखिए, अभी मैंने वाइट कलर को हाथ से यूज किया, ज़रूरी नहीं आप ब्रश से ट्राई करो, हाथ से, हाथ का भी यूज कर सकते हो, कैसे भी कुछ भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।